नमस्कार दोस्तों, मैं कृष देवगन नक्सल। दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, खास करके इंटरनेट पे, कि क्या हमें एआई से डरना चाहिए, क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है, क्या हमारी नौकरियां चली जाएगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे गवर्नमेंट्स को, सरकारों को कंट्रोल करेंगे, देश को कंट्रोल करेंगे, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करेंगे, आपको और मुझे कंट्रोल करेंगे, अपने फोन के अंदर से अपने कंप्यूटर्स, पीसीज, लैपटॉप्स वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से क्या वो हमें कंट्रोल करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस, ये सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मेरी तो राय है कि खतरा डेफिनेटली है, लेकिन मैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि उसके पहले और एक खतरा है, उसका डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यह सवाल उठा रहे हो, आपने कॉरपोरेट इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या हमें कॉरपोरेट इंटेलिजेंस से खतरा है? अब कॉरपोरेट इंटेलिजेंस कहता हूं तो लोग कहते हैं, यार कॉरपोरेट्स तो कंपनीज होते हैं और उसमें कोई खास इंटेलिजेंस नहीं होता है। तो चलो उसी शब्द को मैं एक अलग तरीके से डालता हूं, मैं उसे कॉरपोरेट इंटेलिजेंस नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कॉरपोरेट कल्चर। अब आप कहोगे कॉरपोरेट कल्चर, तो हर एक कॉरपोरेट के अंदर जो कल्चर होता है उसे कहते हैं कॉरपोरेट कल्चर, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि हम जहां पे रहते हैं, हमारी दुनिया में, इन आवर वर्ल्ड, हम हैं यानी इंसान हैं और कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं। अब कंपनीज को भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि कंपनीज मतलब हम किस बात से, यानी किस चीज का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं आपको इस तरह से कहता हूं दोस्तों, कई बार, और मैं स्क्वायर यार्ड्स का एग्जांपल यूज करूंगा क्योंकि वो एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है। स्क्वायर यार्ड्स, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? स्क्वायर यार्ड्स, स्क्वायर यार्ड्स नाम का ऐसा कोई एक कंपनी नहीं है। कंपनीज हैं, बहुत सारे हैं, स्क्वायर यार्ड्स, रियल एस्टेट LLC, इस टाइप के नाम वाले बहुत सारे कंपनीज हैं, लेकिन और वो कंपनीज अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। कुछ इंडिया में हैं, कुछ UAE में हैं, कुछ दुबई में हैं, कुछ बहरीन में हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप जब कहते हो सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्क्वायर यार्ड्स, अगर कोई कॉलर आपको कहता है कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्क्वायर यार्ड्स, तो पूछना बनता है स्क्वायर यार्ड्स हु, स्क्वायर यार्ड्स विच कंपनी। अगर इस तरह की लूज टॉक जो है ना, ये स्क्वायर यार्ड्स कह देते हैं, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बजाज आलियंस, बजाज आलियंस विच कंपनी, वी आर अपॉइंटिंग यू एज रिटेल पार्टनर ऑफ बजाज आलियंस, बजाज आलियंस विच कंपनी, कौन सा कंपनी मुझे रिक्रूट करने जा रहा है, कौन से कंपनी का रिटेल पार्टनर, एक जनरल इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस है, कौन सा कंपनी, बहुत सारे कंपनीज हैं। सर वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम महिंद्रा, विच कंपनी ऑफ महिंद्रा। तो इस तरह से अब मैं ये जो कल्चर है, मैं कल्चर को पहले डिफाइन कर रहा हूं आपके लिए, और खतरा कहां पर है, मैं इसके कुछ सवाल उठाता हूं आपके सामने, और आप जज करिए कि खतरे हैं या नहीं है, यू बी द जज ऑफ दैट। तो दोस्तों, पहले कॉरपोरेट कल्चर को मैं जिस तरह से एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इसका नहीं कर रहा हूं कि कॉरपोरेट के अंदर क्या होता है, वो भी एक है, इट इज अ कंसर्न कि कॉरपोरेट्स के अंदर क्या कल्चर क्या है, और कॉरपोरेट्स के अंदर किस तरह से लोग बात करते हैं, आपस में इंटरेक्शन क्या होता है, किस तरह से लोगों को स्टंटिंग किया जाता है, मतलब उनकी सोचने की क्षमता को काट दी जाती है, कट 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 कट, जैसे आप पौधे के शाखाओं को कट करते हो ना, ब्रांचेस को कट कर देते हो, शहर में जो पेड़ हैं, सारे पेड़ देखोगे कि उसकी शाखाएं काटी गई है और उनको एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है ताकि वो रास्ते पे अड़चन ना पैदा करें, उनका जो नेचुरल शेप होता है वो आपको जंगल में देखने को मिलेगा। सेम वे इंसानों को, हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे लोगों को, जब हम कॉरपोरेट में प्रवेश करते हैं, कोई भी एक कंपनी में प्रवेश करते हैं, तो वहां के कल्चर के हिसाब से आपकी शाखाएं
धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा लेकिन क्लिप 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 कट किया जाता है और आपको कट करके एक तरह से शेप कर देते हैं उनके कॉरपोरेट कल्चर के हिसाब से, उस कॉरपोरेट कल्चर के हिसाब से। अब कॉरपोरेट में सीनियर है, सीनियर आपको किस तरह से एंटरटेन करेगा, किस तरह से आपके साथ बात करेगा, किस तरह से आपको अपने ऑफिस में बुलाएगा। कुछ कॉरपोरेट्स ऐसे होते हैं ओपन कल्चर, आप किसी के भी केबिन में सर मैं कम इन बोलो, पोलाइटली नॉक करो और अंदर चले जाओ, ये कुछ कल्चर्स हैं। कोई और बैठा है आप भी जाके बैठ सकते हो, ये ओपन टाइप के कल्चर्स हैं। कुछ कॉरपोरेट्स ऐसे होते हैं कि बहुत क्लोज कल्चर होता है, कोई और बैठा हुआ है एकदम झांक के देखो, सॉरी सर डिड आई इंटरप्ट, सॉरी सर आई विल कम बैक लेटर, या फिर अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है बॉस से मिलने, अपने इमीडिएट रिपोर्टिंग बॉस से मिलने भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसकी सेक्रेटरी से या पर्सनल असिस्टेंट से या उन्हीं से व्हाट्सएप करके या मैसेज करके, कंपनी के इंट्रानेट पे मैसेज करके, सर आई वांट एन अपॉइंटमेंट। वो भी एकदम टाइम देंगे, वो कहेंगे बिटवीन 3 and 3:30 यू कैन कम, या फिर वो बोलेंगे एग्जैक्टली 3:15 को आ जाओ, आप एग्जैक्टली 3:15 को या 3:14 को वहां पे पहुंच जाओ। तो अलग अलग टाइप के कॉरपोरेट कल्चर्स हैं, आप कितना ओपनली बोल सकते हो, आपस में कितना ओपनली डिस्कस कर सकते हो या कितना बोल सकते हो और कितना नहीं बोल सकते। आप बोलने के लिए बॉस बोलेगा अरे आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, आई एम कंप्लीटली ओपन टू क्रिटिसिज्म, एनीबडी कैन टेल मी एनीथिंग, जूनियर मोस्ट हैव यू एनी ओपिनियन, सुरेश रमेश अश्विन यू हैव एनीथिंग टू से, सोनाली से इट। और जिस बंदे ने वो गलती, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। अब एक नया बंदा आया हुआ है, जोश में है, वो कहता है अरे यार ओपन कल्चर है यहां पे, बॉस क्रिटिसिज्म मांग रहा है, वो सामने से कह रहा है बोलो मुझे। बच्चा है, नया बच्चा है निखिल नाम का, वो कहता है सर अरे नो नो यू डोंट हैव टू कॉल मी सर, यू कैन कॉल मी आशुतोष। और भी ये बच्चा एकदम ट्रैप के अंदर आ रहा है, हां सर आशुतोष सर, नो 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 नीड ऑफ आशुतोष सर, जस्ट से आशुतोष, ओके टेल मी। बोला आशुतोष आई फील दिस आइडिया सफर्स फ्रॉम ग्रेट मैनी वीकनेसेस, यस यस निखिल टेल मी यू आर द जूनियर मोस्ट मेंबर ऑफ आर टीम, बट बाकी के सब लोग की फट रही है, उनको पता है क्या होने वाला है, उनको पता है ये बच्चा अब शेर के मुंह में जा रहा है और उसको एक एग्जाम्पल बना दिया जाएगा और इसको इसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। वो बच्चा निखिल नया आया हुआ है, क्रिटिसाइज कर देता है बॉस को, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, ये गलत है वो गलत है, आपका ये कैलकुलेशन गलत है, आपके ये प्रोजेक्शंस गलत है, दिस इज नॉट प्रूवन, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, दिस इज बेस्ड ऑन फॉल्स स्टैटिस्टिक्स, दिस इज बेस्ड ऑन वगैरह वगैरह वगैरह, खत्म। बोल दिया हाँ हाँ यस यस बोलो बोलो बोलो। उसके बाद जो उसकी बैंड बजेगी, उसके बाद शायद मीठी छुरी से हलाल किया जाएगा कि यस सिंस यू हैव ब्रॉट आउट ऑल दीज थिंग्स देन यू मे सेट अप अ टीम एंड यू मे गिव एन ऑल्टरनेटिव प्रपोजल। अब ऑल्टरनेटिव प्रपोजल तो ठीक है, बट यू आर नॉट ऑन दिस टीम बिकॉज यू डोंट बिलीव इन द टीम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, खत्म। उसको बाहर निकाल दिया, फेंक दिया, शायद कंपनी में से वो निकल जाएगा और उसके ऊपर फिर इतना बहिष्कार किया जाएगा, इतना ऑस्ट्रसिज्म किया जाए, बोलते हैं एक बात करते हैं कुछ और। मैंने एक दोस्त से पूछा था, उसने कहा यार मेरे कंपनी में ना, इट वाज अ बिग कंपनी, आई थिंक वो टाटाज या ऐसे कुछ था, मेरे कंपनी में कुछ लोगों को प्रमोट करते हैं। अब आपको पता नहीं है कि प्रमोशन इज एक्चुअली अ वे ऑफ गेटिंग यू आउट, पहले आपको प्रमोट करेंगे, फिर आपका 360 डिग्रीज यू नो इवेल्युएशन या क्या कहते हैं आप लोग वो करेंगे और आपको नेगेटिव रिपोर्ट्स मिलने लगेंगे और फिर आप निकल गए। 3-4 साल लगाते हैं उस कन्वेयर बेल्ट में, धीरे 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 पहले अपवर्ड मूवमेंट और फिर आउटवर्ड मूवमेंट, और 2 या 3 या 4 साल में बाहर निकाल दिया इंसान को। तो इस तरह के बहुत सारे अंडरकरेंट्स रहते हैं जो जिसको हम कॉरपोरेट कल्चर कहते हैं, और जो लोग अंदर के लोग हैं वो जानते हैं, वो लिटरली जानते हैं कि किसके हाथ में पावर है, कितना पावर है, कौन है एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में,
एक्चुअल बॉस कौन है? हो सकता है कि एक्चुअल बॉस जो सीईओ है वो है ही नहीं। एक्चुअल बॉस एक सीईओ के दो लेवल नीचे या तीन लेवल नीचे एक चाटुकार है, और उस चाटुकार को एग्जैक्टली पता है कि किसका चाटना है और किसका चूसना है, और वो चाटुकार एक्चुअल में बॉस है। आपको दिखेगा कुछ और, होगा कुछ और। ओके, तो ये टाइप के, ये कॉर्पोरेट कल्चर कहा जाता है। दिस इज द कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ दैट कॉर्पोरेट। लिखे हुए हमारा कॉर्पोरेट विजन ऐसा है, हमारा कॉर्पोरेट मिशन ऐसा है, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, ब्ला 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 ब्ला, वी आर कमिटेड टू क्वालिटी एंड वी वॉन्ट टू, छोड़ो यार, छोड़ो यार, सब दिमाग का भोसड़ा कर रहे हैं। एक्चुअल में कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और होता है। नो नो, वी आर वेरी ओपन भाई, संभालो, ऐसे नहीं होता है। वी आर वेरी ओपन कहने की बात है, एक्चुअल में नहीं होता है। तो ये कॉर्पोरेट का कल्चर होता है, अंडरकरेंट्स होते हैं। अब मैं इसकी बात फिर भी नहीं कर रहा हूं, लेट मी टेल यू, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग अबाउ एंड बियॉन्ड दिस। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट के अंदर का कल्चर, मैं कह रहा हूं कॉर्पोरेट के बाहर का कल्चर, जो समाज में कल्चर बना हुआ है, वो कॉर्पोरेट कल्चर। अब वो कॉर्पोरेट कल्चर कौन सा कॉर्पोरेट कल्चर, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, कई बार मैं देखता हूं, क्योंकि मैं बिल्डर्स के मामले खास करके लेता हूं मेरे चैनल पे, कई बार मैं देखता हूं अश्विन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अश्विन ग्रुप ऑफ बिल्डर्स, श्रीराम ग्रुप ऑफ बिल्डर्स, श्रीजी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स। अब आप गूगल करके देखो, श्रीजी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स, आपको कौन सा कॉर्पोरेट से मतलब है आपको पता ही नहीं चलेगा। श्रीजी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स नाम का पूरा वेबसाइट खुल जाएगा, वो वेबसाइट में पढ़ोगे तो सब कुछ दिखेगा आपको, लेकिन एक्चुअल कंपनी का नाम क्या है वो नहीं दिखने वाला है। श्रीजी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स, उसके अंदर कंपनीज रोहिणी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, रोहिणी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, रोहिणी इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, रोहिणी इंफ्रा LLP, ये टाइप के आपको 500 नाम मिलेंगे। और फिर रोहिणी, फिर सूर्यकांत, सूर्यकांत इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, सूर्यकांत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, सूर्यकांत टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, सूर्यकांत फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। अबे भेंचोद, तुम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो, फिल्म्स में भी हो, टेक्सटाइल्स में भी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड में भी हो, तुम लोग किधर किधर हो यार? तुम लोगों का हर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, बॉटल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक शेंडी प्राइवेट लिमिटेड को छोड़ के सारे हैं, और उसमें सूर्यकांत भी है, रोहिणी भी है, लेकिन नाम नाम कुछ और ग्रुप, श्रीजी या श्रीराम ग्रुप। अब आप चेक करोगे ये श्रीराम ग्रुप कहीं वो श्रीराम वाला वो ग्रुप तो नहीं है जो साउथ में बहुत फेमस है? आप चेक करते हो, दिस वन इज रजिस्टर्ड इन, उसके कंपनीज को देखते हो, पता चलता है दे आर रजिस्टर्ड इन लखनऊ। अच्छा, तो वो श्रीराम वाला ग्रुप नहीं है, श्रीराम फाइनेंस वाला ग्रुप नहीं है, कोई और है, दे आर रजिस्टर्ड इन ब्लडी लखनऊ। ओके, चलो और देखते हैं, तो पता चलता है कि उसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, LLP कंपनीज, और एकाद लिस्टेड कंपनी भी होगा, लिमिटेड कंपनी भी होगा। और देखते हो देखते हो, कुछ एमलगमेटेड हो गए, कुछ डिंग डैंग डोंग डैंग, उसके बहुत सारे ये लफड़े लोचे, स्ट्राइक ऑफ, एमलगमेटेड, ये वो, ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? लोग ब्लाइंडली उस नाम पे चले जाते हैं, श्रीराम या श्रीजी या जो भी है, उस नाम से सो एंड सो ग्रुप ऑफ ग्रुप, वो ग्रुप कंपनी है, वो ग्रुप है। आपका रीडेवलपमेंट बिल्डर आता है, कौन बिल्डर है, कौन है? हाँ, वो अनिल ग्रुप है। अरे अनिल ग्रुप कौन यार? नहीं सर, वो बहुत बड़ा वेल नोन बिल्डर है, अनिल ग्रुप। अरे अनिल ग्रुप ये क्या है? तो इस टाइप के अजीब अजीब से नाम होते हैं, श्रीराम, सिद्धि विनायक वगैरह वगैरह, अल फता। आई मीन नॉर्मली इंडिया में वो मुस्लिम टाइप के नाम चलते नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं साला ये कोई टेररिस्ट ग्रुप है, नाम देखते ही फट जाती है। तो उसको फिर आपको श्रीराम ग्रुप दिखेगा और सोमानी ग्रुप दिखेगा, और पता चलेगा वो सोमानी ग्रुप के अंदर कौन बैठा है, तो देखोगे तो कोई मुसलमान नाम दिखेगा आपको।
ये हो सकता है। तो इस टाइप से बड़ा कंफ्यूजन एक बार से एक बहुत बड़ा स्मोक एंड मिरर्स बनाया जाता है। और ये बात जिसको मैं अब कॉरपोरेट कल्चर कह रहा हूं, ये बात नॉर्मल हो गया है, ये बात कंप्लीटली नॉर्मल हो गया है। पब्लिक सवाल नहीं पूछते हैं, अश्विन ग्रुप ऑफ कंपनीज, कौन अश्विन? हो सकता है उसमें एक आध अश्विन मिलेगा आपको, हो सकता है आपको एक भी कोई अश्विन मिलेगा ही नहीं, एक आध कंपनी मिलेगा या एक आध इंडिविजुअल मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, एक आध अश्विन, अश्विन ग्रुप ऑफ कंपनीज, फिनिश्ड, दिमाग सोचना बंद। लोग जाते हैं उधर, पैसे दे के आते हैं, अश्विन ग्रुप ऑफ कंपनीज इज लॉन्चिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। अरे अश्विन ग्रुप ऑफ फकिंग कंपनीज हु, कौन है, कौन अश्विन ग्रुप, किसका, उसका करता हरता धरता कौन है, कोई पूछता नहीं है। अब इसको मैं कह रहा हूं कॉरपोरेट कल्चर, इस चीज को मैं कह रहा हूं, जहां पे आप किसी को अकाउंटेबल ठहराते नहीं हो। अब इस चीज से क्या हो रहा है, इस काम से क्या हो रहा है, अश्विन ग्रुप ऑफ कंपनीज कुछ भी लॉन्च कर देंगे। मैं सिर्फ ये इमेजिनरी नाम बोल रहा हूं, वो अश्विन ग्रुप, महिमा ग्रुप, जो आप बोलो, वो सनफ्लावर ग्रुप, जो बोलना है बोलो, नाम ही नाम है, कोई कोई। और अगर कंपनी भी है, चलो कंपनी के नाम से होता है, एक्चुअली अश्विन ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, चलो अश्विनी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, उसमें दो डायरेक्टर्स हैं, आपको मिल गए, ठीक है। अब वो लोग आपको झूठ बोल के कोई कुछ कुछ ना कुछ बेचते हैं, वो कुछ ना कुछ बेचते हैं, दे मे सेल यू प्रॉपर्टी, दे मे सेल यू सम स्कीम, दे मे सेल यू कि भाई हम आपको ऐसा देंगे वैसा देंगे, जो भी करेंगे पैसा लेते हैं आपसे, बेसिकली आपसे पैसा लेते हैं, कुछ प्रोमिसेस डिलीवर करते हैं। फॉर लेट मी गिव यू अ लाइव एग्जाम्पल, क्लब महिंद्रा, क्लब महिंद्रा आपको एक प्रोडक्ट प्रोमिस करता है, 25 साल के लिए आप वेकेशन पे जाओगे, फलाना ढिमकाना, आपको पूरा प्रोमिसेस देता है। क्या प्रोमिसेस, क्या है सपना, क्या है सपना, ये है कि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाओ, हमको आज 3 लाख दे दो या 4 लाख दे दो, उसके बाद हर साल आप 7 दिन के लिए वेकेशन ले सकते हो अपने फैमिली के साथ एट नो कॉस्ट। ये बेसिक प्रोडक्ट प्रॉमिस है, एक बार आप 3 लाख दे दो या 4 लाख या जो भी है एक्स अमाउंट, और ये हमारा स्कीम है, पर्पल स्टूडियो, व्हाइट स्टूडियो, रेड स्टूडियो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो प्रॉमिस बेसिक प्रॉमिस है। अच्छा, उसके अंदर फिर और कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई क्या है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फी, ये सब पहले नहीं बताएंगे, क्यों? अरे जो बंदा आपके पास आया है बेचने के लिए वो कंपनी का आदमी है ही नहीं, वो क्लब महिंद्रा का आदमी नहीं है, पता चलता है वो किसी और का आदमी है, बाहर का आदमी है, ही इज अ सेलर, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं क्लब महिंद्रा से आया हूं, आपको कॉल आएगा लेजिट क्लब महिंद्रा के नंबर से, लेकिन जो बंदा पहुंचता है और आपको प्रोमिसेस देता है और पैसे कलेक्ट करता है, चेक या स्वाइप कलेक्ट कर रहा है, वो आदमी कंपनी का नहीं है, पार्ट ऑफ कॉरपोरेट कल्चर, दिस इज पार्ट ऑफ कॉरपोरेट कल्चर। वो ठग लेता है आपको, वो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फी देना है, सब्सक्रिप्शन फीस ऑफ 20,000 रुपीज पर एनम, 25,000 रुपीज पर एनम वगैरह देना पड़ेगा आपको, वो बढ़ सकता है और बढ़ेगा और हर साल 10% इंक्रीज होने वाला है, ये सब कुछ नहीं बताएगा, वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा, वो आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस देगा, मैं ये वाउचर दूंगा, अमेजॉन वाउचर दूंगा, फलाना टिकट, दिस दैट एवरीथिंग, डिंग डैंग डूंग, वो कुछ भी प्रोमिसेस दे देगा, आपका एएसएफ वाइप आउट हो जाएगा, वी विल कैंसिल दिस, वी विल वेव दिस, यू विल गेट दिस मच अमाउंट, यू टू ओनली पे दिस मच अमाउंट, सब प्रोमिसेस 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 प्रोमिसेस। हो सकता है एक या दो उसमें से झूठ निकलते हैं, हो सकता है पूरे के पूरे द होल पैक ऑफ प्रोमिसेस इज अ बंच ऑफ लाइज, और बहुत लोगों का ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि साला पूरा प्रॉमिस ही झूठा है, जो जिस प्रॉमिस से उसने मुझे ये लिया है, मुझसे पैसे लिए, पूरा झूठा है, ठीक है। नाउ हुम डू यू होल्ड अकाउंटेबल, आप कहोगे क्लब महिंद्रा, अब क्लब महिंद्रा ने आपके ऊपर बहुत सारे रूल्स इंपोज कर दिए हैं, सर हमारा रूल सेट पढ़ो, अरे रूल सेट तूने एक्सप्लेन कब किया था, हमारा रेड स्टूडियो का रूल ऐसे कहता है कि ये सीजन में तुम नहीं ले सकते हो और वो सीजन में तुम नहीं ले सकते हो और फलाना ढिमकाना, अरे ये क्या,
हमारा फलाना सो एंड सो रूल सेज दैट आप अगर 3 साल के लिए वैकेशन नहीं लेते हो तो फोर्थ ईयर आपका ये एक्सपायर हो जाता है। अरे लेकिन तुम्हारी अवेलेबिलिटी नहीं थी। नहीं सर, उसके लिए हमारा एक और रूल ये है। अरे रिफंड दे दो। सर उसके लिए एक और रूल ये है। ये हो गया कॉरपोरेट कल्चर, यानी कि फुल बोल बच्चन, और आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इनको जिम्मेदार ठहराने के लिए, बोल बच्चन से बेच रहे हैं। और ये मैं क्लब महिंद्रा का मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। रिक्रूटमेंट स्कैम, रिक्रूटमेंट कह के बजाज आलियांस कह रहे हैं रिटेल पार्टनर, कौन कह रहा है? इज इट बजाज आलियंस का कंपनी कह रही है? नो। इज इट बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, आई थिंक देयर पब्लिक लिमिटेड, आई डोंट रिमेम्बर, इज इट दैट कंपनी हु इज सेइंग? नो। समबडी कॉल्स यू सेज बजाज आलियंस रिटेल पार्टनर के ये कंडीशंस है। ठीक है, आप जाते हो, आपको लगता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कुछ लोग जो है वो पहुंच जाते हैं, सर हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, आप आ जाओ ट्रेनिंग में। अब ट्रेनिंग में आपके देर में भी ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ बजाज आलियंस बॉसेस ऑल्सो, ऑनलाइन आ भी जाएंगे, लेकिन पता चलता है ये पूरा जो हो रहा है वो उसमें बजाज आलियंस का एक्चुअल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और रिक्रूटमेंट के नाम से MLM चल रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग यूर सैलरी, फॉल्स प्रोमिसेस पहले साल में, वो कह रहे हैं एक तरफ से आपको रिटेल पार्टनर बना रहे हैं। जब इन दे यूज द वर्ड रिटेल पार्टनर तो आपको लगेगा कि हां मैं किसी तरह से उनके साथ एसोसिएट हो रहा हूं, फिर पता चलेगा कि कोई कंपनी का लिंकेज नहीं है, आपका और उनका कोई लिंकेज नहीं है, यू आर जस्ट एन एजेंट। लेकिन एजेंट बनने के लिए आप फिर उनको 3 लाख क्यों दोगे? नहीं नहीं, आप किसी भी तरह से 3 लाख लेके आओ और 3 लाख दे दो, और फिर पता चलता है 3 लाख पर एनम देना पड़ेगा, और आपको पता चलता है कि अरे मैं नहीं दूंगा तो ये आपके 3 लाख गए, और आपको सैलरी मिलेगी। ये सब इम्प्लाई किया जाता है, कहीं बोला जाता है, बट एक्चुअल में यू कैनॉट होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, वो जवाबदार नहीं है, कोई जवाबदार नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। आप किससे पूछोगे? मैं अगर बजाज आलियांस को लिखूंगा, दे विल से सॉरी सर दिस इज नॉट आवर एक्टिविटी। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे ब्रांड के साथ में कोई और एक्टिविटी कर रहा है और मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले। पुलिस में जाओगे, सॉरी सर इट इज नॉट देयर एक्टिविटी। पुलिस डायरेक्टर्स को एज अ रूल उनके अगेंस्ट केसेस नहीं करते हैं। कानून से करीब करीब ये लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और हम आम आदमी लोग सेकेंड क्लास सिटीजन है, चाहे एज एम्प्लॉयज चाहे एज कंज्यूमर्स, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलते हैं। मतलब कॉरपोरेट्स ने एक पूरा ही अलग इकोसिस्टम बना रखा है। हमें इससे खतरा है, इस बात को रिकग्नाइज करिए, पहचानिए। मैं हूं आपका दोस्त कृष देवर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।